इसलिए बृहस्पति देव ने शिव की सुंदर स्तुति का गायन किया। बाबा एक भी मुकुट नहीं, कोई सोने चांदी के गहने नहीं, कोई पीताम्बर श्वेताम्बर नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी आप कितने दिव्य हैं। हमारी दिव्यता सोने चांदी के आभूषणों से नहीं है, हमारी दिव्यता हमारे सद्गुणों से होती है। हमारे सद्गुण होना चाहिए, सद्गुण हमारी शोभा है, यही सच्चे गहने हैं सद्गुण। बृहस्पति ने कहा देवगुरु ने, बाबा किन शब्दों में मैं आपकी स्तुति करूं? नमो रुद्राय नीलाय। महादेव दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित होता है, इसलिए हम आपको रुद्र कहते हैं, लेकिन मूल तो आप रौद्र हैं। रौद्र अति भयानक है तुम, लेकिन दूसरों का दुख, भक्त का दुख जब देख लेते हैं ना, तब तो द्रवित हो जाता है। भगवान प्रणाम करता हूं मैं आपकी विराटता। विमाय मतलब विराट, महा मतलब आकाश जैसा फैला हुआ। महादेव कहते शंकर जी को, देव नहीं कहते, महादेव। महादेव इसीलिए पूरे त्रिलोक में फैला हुआ, पूरे ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैला हुआ देव, वो है महा। शिव जी देव नहीं है, शिव है महादेव। महा मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैला हुआ देव, उसको कहते हैं महादेव। महादेव का अर्थ कोई छोटा अर्थ नहीं है। प्रणाम करता हूं महादेव। भीमाय परमात्मने कपर दीने सुरेशाय व्योम केशाय वये महादेव की स्तुति का गायन किया। कभी अवसर मिले तो ऐसे शिव जी की स्तुति करो, शिवालय में जाकर अपने घर में ऐसे बैठे बैठे विचारों में खो जाते हैं, और सभी विचार सकारात्मक नहीं होते, और सभी आपके विचार अपने जीवन में कभी अमल में भी नहीं आते, कभी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए विचारों में अपना समय क्यों गवा रहे हैं? बैठे बैठे समय बीत रहा है, समय का मूल्य करें।